गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स डू फिफ्थ सम. रीड द स्टेटमेंट. बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर 3 बी डिवाइडेड सो दैट कोशेंट मे बी इक्वल टू 9/4 टू द पावर -2. लेट नंबर क्या ले लिया हमने, एक्स. एक्स हमने नंबर लिया. स्टेटमेंट में क्या दे रखे हैं आपको, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू द पावर 3 डिवाइडेड. -2/3 टू द पावर 3 को हम डिवाइड किससे कर देते हैं, एक्स से. तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 9/4 टू द पावर -2 के. वही सेम जो हमने फोर्थ सम में किया था, -2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड है, राइट साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/4 टू द पावर -2 एज इट इज रहेगी. अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9/4 को हम 2/3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. कैसे, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9 के इक्वल होगा. 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2. पावर कितने गिवन है आपको, -2. तो क्या करा हमने यहाँ पर, -2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9/4 टू द पावर -2 × x. एक्स को हमने एक साइड पे रखा, ये 9/4 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के वहां जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया. डिवाइड करने के बाद मैंने क्या करा, 9 दे रखा था, 9 को राइट करा 3 का स्क्वायर और 4 को राइट करा 2 का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ये वैल्यू गिवन है और राइट साइड में एक्स गिवन है. मैंने इसका उल्टा करके राइट कर दिया, मतलब एक्स को मैंने राइट कर दिया लेफ्ट साइड में और इस नंबर को राइट साइड में, से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये स्टेप बिल्कुल सेम है, सिर्फ जस्ट पोजीशन चेंज की है, लेफ्ट को राइट में राइट करा और राइट को लेफ्ट में राइट कर दिया हमने. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा था, 3/2 का स्क्वेयर टू द पावर -2. नेगेटिव पावर थी, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. मैंने 3/2 का जब रेसिप्रोकल किया तो वो क्या बन जाएगा, 2/3. पावर कितनी दे रखी है आपको, 2. दोबारा से देखो एक बार ये स्टेप, 3/2 का स्क्वेयर टू द पावर -2. माइनस पावर है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3. 2/3 का स्क्वेयर और इसकी पूरी पावर कितनी दे रखी है आपको, पहले नेगेटिव थी, जब रेसिप्रोकल ले लिया हमने तो पावर क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव. एक्स इज इक्वल टू -2/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय पावर टू द पावर गिवन है आपको, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. 2 × 2 = 4. 2/3 की पावर कितनी होगी, 4. अब करो, -2/3 की पावर 3 दे रखी है, दैट मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं 3 times, -2 × -2 × -2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3. इसी तरह से डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2. 3 कितने टाइम्स आएगा, 4 times. 2 भी कितने टाइम्स आएगा, 4 times. अब इसमें कट करो, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 3 times, और यहाँ पे भी 4 times था, 3 times कट कर दिया, 3 से 3 कट हुआ, यहाँ भी 3 से 3 कट. ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास, एक तो नेगेटिव साइन रहा, नेगेटिव साइन सिर्फ ये कट हुआ था, ये नेगेटिव साइन रह गया हमारा, नेगेटिव -3 डिवाइडेड बाय, सब कट हो गए, यहाँ पे क्या बचा, 2. तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -3/2. आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हो, यहाँ पुट करो, -2/3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9/4 टू द पावर -2 × x. एक्स की जगह पे जब हम -3/2 पुट करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही सेम आएगा. क्लियर हुआ, आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो इसको. उसके बाद देखो नेक्स्ट सम, सिक्स्थ सम में आपको क्या करना है, 5/7 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5/7 टू द पावर 3x + 1 इज इक्वल टू 5/7 टू द पावर 4. ये आपको स्टेटमेंट गिवन है और इस सिक्स्थ सम में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, 5/7 का स्क्वेयर गिवन है, डिवाइड है ये, इक्वल के वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 5/7 टू द पावर 4 आपको ऑलरेडी गिवन थी, मल्टीप्लाई 5/7 टू द पावर 3x + 1. बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3x + 1 + 4, तो टोटल पावर कितनी होगी, 3x + 5.
यहाँ पर पावर कितनी है, 5/7 की पावर 2 है, यहाँ कितनी है, 5/7 की पावर 3x+5। अब मैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2 इक्वल हो जाएगा 3x+5 के, या फिर मैं कह सकती हूँ 3x+5 जो है वो 2 के इक्वल होगा। मैंने 3x+5 को पहले क्यों राइट करा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर हुआ। या फिर आप अगर 2 = 3x+5 राइट करते हो तो भी ठीक होगा। मैंने पहले 3x+5 राइट कर दिया, 3x+5 किसके इक्वल हो गया, 2 के। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 3x = 2 - 5, 2 में से 5 गया -3, x की वैल्यू 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, बट साइन नेगेटिव था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर हो गया, एक बार दोबारा से देखो, 5/7 to the power 2 ये डिवीज़न है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/7 to the power 3x+1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसको जब हमने सोल्व करा तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 3x+5। यहाँ पर इक्वल का साइन दे रखा है आपको, तो 3x+5 पावर्स, अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होगी, 3x+5 किसके इक्वल हो गया, 2 के। हमें वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। ऐसे इसका लास्ट पार्ट देखो, सिक्सम का, -6/11 to the power x डिवाइडेड बाय -6/11 to the power -2 होल पावर -1 दे रखी है। ये इक्वल है -6/11 to the power 2 और होल पावर -3, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, उसको हम एक साइड पे रख लेंगे। ये डिवाइडेड का साइन है, इक्वल के वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व किया पहले मैंने, -6/11 to the power 2 और होल पावर -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर की पावर या तो मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, मल्टीप्लाई का साइन आया। डिवीजन को जब हम उस साइड लेके गए राइट साइड में, तो डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी, मल्टीप्लीकेशन में, -2 की पावर -1 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस से माइनस कट, 2 1 is 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। ये सब क्लियर हुआ, मैंने इसके सोल्व करके साथ में डिवीजन को वहां लेगी, एक स्टेप बीच में स्किप कर रखा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। -6/11 to the power इसको सोल्व किया तो -6 आई, ये डिवीजन है, डिवीजन इक्वल के राइट साइड में जाकर के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 to the power -1 दे रखी है, तो पावर कितनी होगी यहाँ पर, 2। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, -6+2। -6/11 to the power x = -6/11 to the power -4। अब क्या करेंगे, बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ पावर्स को ले लेंगे हम, एक्स किसके इक्वल हो गया, -4 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास, -4 के। उसके बाद स्टेटमेंट नेक्स्ट की देखो वन सेवन, है, इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2/3² × 1/3 to the power -4, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू टू द पावर माइनस टू, क्लियर हुआ। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, पी बाई क्यू की वैल्यू और पी बाई क्यू टू द पावर माइनस टू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करो कैसे करोगे, फिर सबसे पहले पी बाई क्यू को ही सोल्व कर लेते हैं, 2/3 का स्क्वेयर दे रखा है, स्क्वेयर मीन्स 2 × 2 / 3 × 3। 1/3 to the power -4 है, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/1, पावर कितनी होगी, 4। अब इसको हमने जब सोल्व किया, 2 × 2 = 3 to the power 4, मतलब 3 को 4 times मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल करो, 3 2 times यहाँ कट हो गया, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, तो पी बाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 36। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी बाई क्यू टू द पावर माइनस टू की, -2 दैट मीन्स 36 to the power -2, और इसको हम राइट कर सकते हैं, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 36 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/36, तो आंसर कितना आएगा, 1/36 to the power 2। क्लियर हो गया, एक बार दोबारा से देखो, पी बाई क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू टू द पावर माइनस टू। फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू टू द पावर माइनस टू, फर्स्ट वी विल सोल्व पी बाई क्यू। जब हमने पी बाई क्यू को सोल्व किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 36। वैल्यू बतानी किसकी है हमें, पावर माइनस टू की, तो पी बाई क्यू टू द पावर माइनस टू कितना हो जाएगा, 36 की पावर भी माइनस टू हो जाएगी। नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका क्या लिया,
रेसिप्रोकल। इसी तरह से नेक्स्ट सम देखो, इफ ए इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7/5 टू द पावर 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ए टू द पावर माइनस 3। ए टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो कैसे करोगे, ए की वैल्यू कितने गिवन है आपको, 3/5 टू द पावर माइनस 2। माइनस 2 पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 3/5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 5/3, और नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव में, तो 5/3 का स्क्वेयर हो गया। किसी भी नंबर को की पावर अगर आपको 0 गिवन हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, 1 के इक्वल। 5/3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5/3 का स्क्वेयर। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ सेम आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 का स्क्वेयर, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए टू द पावर माइनस 3। जब हम ए की वैल्यू टू द पावर माइनस 3 करेंगे तो हमें 5/3 स्क्वेयर का भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 3। इसको कर दिया हमने, पावर की पावर गिवन है तो यहाँ पर 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर माइनस 3 है, माइनस 6 हो गई। ए टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करा, 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करा। जब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 729, और 5 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15625। तो इसका मतलब ए टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू कितनी हुई, 729 डिवाइडेड बाय 15625। एक बार दोबारा से देखो, एट सम में क्या करा हमने, ए की वैल्यू गिवन है, ए टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने ए को सिंप्लीफाई करा, माइनस 2 पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 गिवन हो तो वो 1 के इक्वल होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। ए की वैल्यू आ गई, अब ए टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू आई उसकी पावर कितनी ले लेंगे, माइनस 3, 2 ऑलरेडी गिवन थी, माइनस 3 और होगी पावर, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 5/3 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/5। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारा आंसर आ गया 729 डिवाइडेड बाई 15625। तो आपका यही होमवर्क है आज, यू हैव टू डू 5th, 6th, 7th एंड 8th सम ऑफ वर्कशीट 5 इन योर फेयर नोटबुक। ओके।